अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। रीडिंग करना शुरू करते हैं। नाउ वी डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज इन सम ऑप्टिकल डिवाइसेज सच एज कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर एंड फोटोग्राफ एनलार्जर। इस टॉपिक में हम तीन डिवाइसेज स्टडी करेंगे, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर एंड फोटोग्राफ एनलार्जर। रीडिंग करना शुरू करते हैं पहले कैमरा की। अ सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट एंड अ लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक। एक सादा कैमरा, एक लाइट प्रूफ बॉक्स। अब लाइट प्रूफ बॉक्स का मतलब है कि एक ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर से लाइट एस्केप ना कर सके, मतलब अगर इसकी साइड्स पे कोई लाइट रेस पड़ती हैं तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं करता। उसके अलावा एक कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है जो कि हमें आउटसाइड पर नज़र आता है कैमरा में। उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या उसने बताई है, एक लाइट सेंसिटिव प्लेट या फिल्म जिसको कहते हैं, जिसपे सारी पिक्चर्स रिकॉर्ड होती हैं। यही फिल्म हम चेंज करते हैं तो कैमरा बिल्कुल कैमरे की रील दोबारा रीसेट हो जाती है, ठीक है। द लेंस फोकसेस इमेजेस टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन टू द फिल्म। अब लेंस का मेन पर्पस क्या है कि वो इमेजेस को फोकस करता है जो कि वो रील पे बननी होती हैं, फिल्म पे बननी होती हैं, ठीक है। इन सिंपल लेंस कैमरा द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म इज फिक्स्ड व्हिच इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब यूजली क्या होता है कि जो आपका वो डिस्टेंस बिटवीन फिल्म एंड कन्वर्जिंग लेंस होता है वो फिक्स्ड होता है और वो आमतौर पर एफ यानी कि फोकल लेंथ के बराबर होता है। इन कैमरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F, अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस वे एज शोन इन फिगर। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2F के बियॉन्ड प्लेस होता है ताकि हम उसकी इमेज जो कि फिल्म पे आएगी वो रियल हो, इन्वर्टेड हो, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर इन साइज हो एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा हम अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोकस नहीं कर पाते, उसके फोकस करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम कन्वेक्स लेंस को हम आगे पीछे मूव करते हैं जिससे हम इमेज को फोकस करते हैं, यानी कि इमेज को किस तरह एफ पे लेके आते हैं, मतलब प्रिंसिपल फोकस पे लेके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड प्रोजेक्टर। फिगर 12.28 शोज हाउ अ स्लाइड और अ मूवी प्रोजेक्टर वर्क्स। अब ये एक सिंपल प्रोजेक्टर होता है जो कि छोटी सी इमेज को बड़ा करके दिखाता है। जिस तरह कैमरा एक बड़ी ऑब्जेक्ट को स्मॉल करके रील पे ले आता है, उसी तरह ये जो होता है ये छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा बड़े स्क्रीन पे शो करता है। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग और अ कनकेव मिरर। इसमें कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर के सेंटर कह लें या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लाइट सोर्स रखा जाता है जो कि बेसिकली एक लाइट होती है। द कनकेव मिरर इज यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन फेयरली पैरेलल रेज। द कंडेंसर इज मेड अप ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज दैट रिफ्लेक्ट द लाइट सो एज ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड आर इल्यूमिनेटेड विद पैरेलल रेज। अब जो आपका सोर्स होता है उसके आगे एक कंडेंसर लेंस लगा होता है जो कि बेसिकली एक नहीं होता, एक टर्म होती है जो कि एक से ज़्यादा लेंसेज के लिए यूज होती हैं जो कि इन लाइट रेज को पैरेलल रेज में कन्वर्ट करता है और उनको प्रोजेक्शन लेंस पे पैरेलल स्ट्राइक कराता है और यहाँ से पैरेलल स्ट्राइक करने के बाद ये स्क्रीन की तरफ डाइवर्ज हो जाती हैं। द प्रोजेक्शन और कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इट मस्ट बी रियल टू बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। द स्लाइड मस्ट बी प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ प्रोजेक्शन लेंस सो एज टू प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड अपसाइड डाउन एंड लेटरली इन्वर्टेड सो वी कैन सी द इमेज प्रॉपरली। मतलब स्लाइड पे जो इमेज प्रोड्यूस हो रही होती है वो बेसिकली इसकी इन्वर्ट होती है और जो आपकी इमेज होती है वो रियल लार्ज और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस हो रही होती है। इसलिए बाजू का तो आपने देखा होगा प्रोजेक्टर्स को उल्टा प्लेस किया जाता है, ठीक है। और इनका जो सोर्स होता है बेसिकली वो लाइट सोर्स होता है जो कि रिफ्लेक्ट करके जो कि कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक कन्वर्जिंग लेंस से पास करता है जो कि इसकी रेज को पैरेलल में रेज में कन्वर्ट करता है लाइट रेज को। और आगे एक प्रोजेक्शन लेंस होता है यूज जो कि इसको एनलार्ज करता है इमेज को, ठीक है। फोटोग्राफ एनलार्जर। इन द केस ऑफ अ फोटोग्राफ एनलार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस मोर देन एफ बट लेस देन 2F। इसमें ऑब्जेक्ट को एफ और 2F के बीच प्लेस किया जाता है। इन दिस वे वी गेट अ रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। अब ये भी तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है, क्या इसमें क्या है, एक बल्ब है, लाइट सोर्स है, उसके बाद कंडेंसर लेंस यूज़ हो रहे हैं, फिल्म यूज़ हो रही है, प्रोजेक्शन लेंस यूज़ हो रहा है और आगे फोटोग्राफिक पेपर यूज़ हो रहा है। फोटोग्राफिक पेपर पे आपकी इमेज शो हो रही होती है।
In this way, we get a real inverted and enlarged image. In figure 12.929, the working principle of photograph enlarger is basically the same as that of a slide projector. Ab inka working principle takriban same hi hai. It uses a convex lens. Idhar yahan pe convex lens use ho raha hota hai to produce a real magnified and inverted image of the film on a photograph photographic paper. Jabki us case mein hamara use ho raha tha concave mirror. Yehi inme basic difference hai.